हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ रहे थे। बहुत सारी चीजें आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ ली थी। एक आध टॉपिक आपके शेष बचे होंगे जिनको आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे, और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे। ओके, तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे अपने पूरे चैप्टर का, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में शुरू कहाँ से करते हैं? परिवर्तन से शुरू करते हैं। परिवर्तन क्या होता है? चेंज जिसे आप कह रहे हो। तो जब कोई भी चीज की वर्तमान जो स्थिति होती है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, तो उसी को क्या कहा जाएगा? चेंज यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ क्या है? बदलाव से, बदल रही, अगर स्थिति बदल रही है, किसी भी प्रकार से बदल रही है, तो उसको परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं कह रही हूं ये आपका एक पेन है, इसको इसके आप पीसेस कर देंगे, टुकड़े कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? एक परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, बदलाव देखने को मिलेगा। कैसा? कि इसका आकार छोटा हो गया। ठीक है ना? हो सकता है आप इसकी आकृति बदल दें, तब भी ये क्या है? बदलाव है, एक प्रकार का परिवर्तन जिसे आप कह रहे हो। ठीक है ना? इसी प्रकार से कई सारे बदलाव आप अपने आसपास होते हुए देखते हैं। ठीक है ना? तो उन्हीं बदलावों को, उन्हीं परिवर्तनों को दो प्रकार से यहाँ पर बांटा गया है, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना? भौतिक परिवर्तन किसकी बात करता है? भौतिक परिवर्तन भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करता है, जहां पर रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करेगा। भौतिक गुण बदलेंगे तो पदार्थ आपका सेम रहता है, समझ रहे हैं? यानी कि नया पदार्थ नहीं बन रहा, पदार्थ वही है पुराना, बस उसकी आकार आकृति रंग हो गया, उसकी भौतिक अवस्था हो गई, इन सभी में परिवर्तन आएगा। जबकि हम रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन आएगा, और रासायनिक गुणों में परिवर्तन का अर्थ क्या है? कि वहां पर नया पदार्थ बन रहा होगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने परिवर्तन को देखा था, जहां पर आपने कहां से शुरू किया था कि आप पानी में शक्कर को घोल रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का बदलाव है, जिससे कि आपका एक विलयन बन रहा है। वो विलयन कैसा है? वो मीठा है जब आप उसे टेस्ट करते हैं। इसके अलावा रबर आपके पास है, उस रबर को आप खींच रहे हैं और खींच करके वापस छोड़ रहे हैं, तो जब आपने रबर को खींचा तो उसका जो एक्चुअल साइज था उससे बड़ा साइज आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी क्या हुआ वहां पर? एक चेंज आया। देन आपने जब उसको रिलीज किया वापिस, तो वो वापिस उसी अवस्था में चला गया, फिर आपको दोबारा चेंज देखने को मिला। तो इस प्रकार से आप परिवर्तनों को देखते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे थे। भौतिक परिवर्तन आपका क्या होता है? जहां पर भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात आप लोग करते हैं, जैसे कि आपने कहा पानी अपनी तीनों अवस्थाओं में जा रहा है। तीनों अवस्थाओं यानी जैसे द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में आपका जा रहा है। तो द्रव से ठोस का जाने का मतलब पानी है आपका जो आपको नॉर्मल दिखता है, जिसको हम पीते हैं, उससे वो बर्फ बन रहा है। ठीक है ना? तो आपका पानी क्या हो रहा है? जम रहा है। जमने की प्रक्रिया हो रही है, और ये कब हो रहा है? जब तापमान परिवर्तित हो रहा है, तापमान बदल रहा है ना। और तापमान कैसे बदल रहा है? तापमान वहां पर कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम होगा तो तब आपका क्या होता है? जो पानी है वो जम जाता है बर्फ में। तो द्रव आपका ठोस में बदल रहा है वो अभी भी पानी। और क्या हो सकता है? उस पानी का टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, यानी कि आपने उसे गर्म कर दिया। गर्म करने के बाद आप क्या देखते हैं? वो वेपराइज होना स्टार्ट कर देता है, स्टीम बना लेता है, वेपर्स बना लेता है। तो आप क्या कहते हैं कि वही पानी जो द्रव अवस्था में था, अब वो गैसीय अवस्था में जाने लग गया। लेकिन गैसीय अवस्था में जब वो भाप बन गया है या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया है, तब भी वो पानी ही है, नया पदार्थ नहीं बना। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नए पदार्थ के बनने की बात नहीं करता है, पदार्थ वही रहता है आपका, और सिर्फ उसकी अवस्था, भौतिक अवस्था बदल जाती है। इसके अलावा आकार बदल सकता है और आकृति बदल सकती है। जैसे यहां पर आपके पास एक शीट थी पूरी कागज की, आपने उसको क्या कर दिया? चार पीसेस में बांट दिया। देन एक पीस को उठाया, उसको आपने फर्दर डिवाइड कर दिया 4 पीसेस में, तो आपको क्या दिखा? आपको दिखा कि कागज तो अभी भी, ये भी वही कागज है, और जो ये पूरा पेपर था, शीट थी, वो भी वही कागज है, लेकिन आकार में आपको परिवर्तन आते हुए दिख रहा है। तो ये भी आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ नहीं बना है, बस उस पदार्थ के जो आकार है उसमें परिवर्तन आ गया है आप। ओके, इसके अलावा जैसे लकड़ी के ब्लॉक्स हैं आपके पास, लकड़ी के गुटके हैं आपके पास, आपने उसको काट करके छोटा कर दिया है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन।
इसमें भी नया पदार्थ नहीं बना है। जो वो बड़ा वाला ब्लॉक था, वो जिस पेड़ की लकड़ी का था, जब वो आपने छोटा कर दिया है काट करके, तब भी वो उसी पेड़ की लकड़ी का रहेगा। कुछ बदलाव नहीं आया है, नया पदार्थ नहीं बना है। ओके, इस प्रकार से आकार में परिवर्तन आप लोगों ने देखा, ये भौतिक परिवर्तन है, जहां पर आप क्या कहते हैं, आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। और इन्हीं गुणों में अगर परिवर्तन किया जाएगा, यानी कोई चीज बड़ी थी उसको काट करके छोटा कर दिया, कोई सर्कुलर शेप में था और आपने उसको काट करके रेक्टेंगुलर बना दिया है, या फिर आपने स्क्वायर शेप दे दिया उसको, या आपने क्या किया, किसी चीज पे रंग कर दिया है, या उसको द्रव से ठोस अवस्था में ले गए, ठोस से द्रव या द्रव से गैसीय अवस्था में ले गए, तो ये सारा आपका भौतिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन कभी भी नए पदार्थ के बनने की बात नहीं करता है, उसमें पदार्थ पुराना ही रहता है, यानी वही पदार्थ रहेगा, बस उसकी ये सारी चीजें या भौतिक गुण जो है वो बदल जाएंगे। ठीक है ना। देन सेकेंड आपका था रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करते हैं, और जहां रासायनिक गुण बदल गए आपके, वहां आपका एक नया कंपोजिशन आपको देखने को मिलेगा, और नया कंपोजिशन यानी नया पदार्थ। ठीक है ना। तो भौतिक गुण, पदार्थ वही है, गुण बदल गए भौतिक गुण, रासायनिक गुण बदले हैं, तो यानी नया पदार्थ आपका बना होगा। ओके, जैसे लोहे पर जंग लगना आपकी एक प्रक्रिया है, जो कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन आपको ज्यादातर इरिवर्सिबल नेचर के दिखेंगे, अनुत्क्रमणीय, कि एक बार ये प्रोसेस शुरू हुए तो इनको वापस रिपीट नहीं किया जा सकता है, यानी प्राइमरी जो सब्सटेंस था आपके पास उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे लोहे की कोई वस्तु है, वो नमी के संपर्क में आती है और उस पर जंग लगना शुरू होता है। जब उस पर जंग लग जाता है, एक बार जंग लग गया तो आप उसको बचा नहीं सकते। ठीक है ना। अब वो प्रक्रिया चलती रहेगी निरंतर, या जंग से आप पुनः वही लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो ये आपका क्या है, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना। इसके अलावा रासायनिक परिवर्तन में आप कंबशन की बात करते हैं, दहन की प्रक्रिया या जलने की जो प्रक्रिया होती है, वो भी आपका किस में आता है, केमिकल चेंज में आता है। क्योंकि लकड़ी जब जल रही है ना, तो नए नए पदार्थ बन रहे हैं, जैसे राख बनता है, कोयला बनता है, इसके अलावा बहुत सारी गैसेज निकलती है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ पर नया पदार्थ, देखो लकड़ी कुछ और था, कोयला कोई और पदार्थ है, राख कोई और पदार्थ है, गैसेज कुछ और पदार्थ है, तो सारे नए पदार्थ बन रहे हैं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भोजन का पाचन यहाँ पर बताया गया है, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो वो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, पूरी पाचन की प्रक्रिया है, वो भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा भोजन का पकना जो होता है, जब पकाते हैं उसको, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन है। अंगूरों का किण्वन, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। फलों का पकना, वो भी आपका क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीजें हैं जो रासायनिक परिवर्तन में देखने को मिलती हैं। रासायनिक परिवर्तन में आपने एक रिएक्शन देखी थी, जहां पर मैग्नीशियम जो आपका है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में दहन उसका हो रहा है, कंबशन हो रहा है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर बनता है, तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपने देखा, लोहे की कील को अगर कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में डुबोया जाता है, तो वो क्या कर देती है, कॉपर सल्फेट के नीले विलयन को हरा कर देती है, क्योंकि वहां पर आयरन का फेरस सल्फेट वहां पर बन जाता है, और इसीलिए वो हरा हो जाता है, और जितनी भी कॉपर यहाँ रहती है वो विस्थापित हो जाती है, यहाँ लग जाती है इस कील पर। तो कलर कैसे दिख रहा है आपको, वो रेडिश ब्राउन टाइप का दिखता है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, वहां पर कॉपर होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रक्रिया या ये जो परिवर्तन आप कह रहे हो, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, जहां पर नए पदार्थ बन रहे हैं आपके। तो इस तरह से आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस भी देखा था, कि भौतिक परिवर्तन जब होता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ या नया उत्पाद बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है। स्थायी परिवर्तन है, इसी कारणवश आपका क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ बन रहा है। लेकिन जब आप भौतिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, चूंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, और किसी किसी केस में ये रिवर्सिबल नेचर का है, उत्क्रमणीय प्रकृति इसकी होगी, अतः ये अस्थायी परिवर्तन है। जैसे कि पानी बर्फ में बदल गई है, तो बर्फ में बदल गई है, लेकिन कुछ
समय के पश्चात अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो बर्फ आपकी वापस से मेल्ट होकर के किस में आ जाएगी, लिक्विड स्टेट में आ जाएगी पानी आपका। तो इसलिए वो कैसा है, वो अस्थायी परिवर्तन है, ठीक है ना। देन जब किसी पदार्थ में भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि जब पदार्थ को रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ के संगठन में परिवर्तन होता है। तो जब भी नए पदार्थ की बात कर रहे हैं तो यानी संगठन परिवर्तित हुआ है, कंपोजिशन जो है वो चेंज हुआ है, जिन जिन चीजों से वो मिलकर के बन रहा है वो चीजों का कंपोजिशन वहां पर चेंज हुआ है, इस वजह से आपका नया पदार्थ बना है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में चूंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसका अर्थ क्या है कि संगठन परिवर्तित ही नहीं हुआ। जैसे आपने जल की बात की, जल आपका क्या है, H2O है, ठीक है ना। वो H2O आपका सब जगह दिख रहा है आपको। अगर आप लिक्विड स्टेट में बात करें, द्रव अवस्था में, तो वहां पर भी पानी आपका H2O ही है। अगर आप ठोस अवस्था में बात करें तो वहां पर भी आपका पानी H2O ही है। और अगर आप गैसीय स्टेट में बात करें तो वहां पर भी आपका पानी H2O ही है। तो परिवर्तन तो हुआ है, इस प्रकार से आपका अवस्था में परिवर्तन हुआ है ना। जैसे द्रव से ठोस से आपका क्या हो गया, द्रव हो गया, द्रव से आपका ठोस से आपका वापस द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है, गैस से आपका द्रव हो सकता है। तो ये परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपोजिशन अभी भी सेम है, पदार्थ वही है, ठीक है ना। लेकिन जब आप नए पदार्थ के बनने की बात करेंगे यानी रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो वहां पर संगठन आपका क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ओके, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के कोई भी रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के सभी रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन। तो ये वही है जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा जिस पदार्थ का भौतिक परिवर्तन होता है उसका द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि पदार्थ का अगर रासायनिक प्रक्रम होता है तो उसका द्रव्यमान भी बदल सकता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण जैसे रंग, आकार और अवस्था इत्यादि बदलते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के वस्तु का रंग, आकार और अवस्था बदल जाती है, ठीक। तो ये कुछ परिवर्तन थे। इसके अलावा ये फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है आपके, जैसे ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, मिक्सिंग कैंडीज, थ्रेडिंग पेपर, फोल्डिंग पेपर, मेल्टिंग आइस, चॉपिंग वुड, कटिंग हेयर ड्राई आइस, सब्लिमेशन, बॉइलिंग वाटर एंड ब्रेकिंग एग्स। तो ये सारे क्या है, ये सारे फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है आपके, ठीक है ना। फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, इन सभी उदाहरणों को आप नोट कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कुछ भी पूछ लेगा कि कांच का टूटना आपका कौन सा परिवर्तन है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कांच टूट चुका है ना, नए नए टुकड़े मिले हैं आपको, लेकिन है तो वो अभी भी वही कांच, कुछ और नया पदार्थ नहीं मिला है, ठीक है ना। चलिए सभी को नोट करिए। चलिए तो ये आपके फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल थे। कुछ केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं आपका, जैसे बर्निंग वुड, लकड़ी का जलना, रोटिंग फ्रूट, बेकिंग अ केक, रस्टिंग मेटल, यूजिंग अ बैटरी, डाइजेशन, सोरिंग मिल्क, एक्सप्लोडिंग फायरवर्क्स, कुकिंग एन एग और फोटोसिंथेसिस। ये सारी आपकी क्या है, केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आई। क्या बर्निंग वुड यानी लकड़ी का जलना, फ्रूट का सड़ना, पकना हो गया, ये सब किस में आता है आपका, रासायनिक परिवर्तन में आता है। बेकिंग अ केक, बेकिंग हो गया, कुकिंग हो गया, ये सब किस में आता है, रासायनिक परिवर्तन में आता है। रस्टिंग आपका रासायनिक परिवर्तन में आता है। बैटरी को यूज करना, उसके अंदर भी अभिक्रियाएं होती हैं जो हायर क्लासेस में आप समझेंगे, तो ये भी आपका क्या है, केमिकल चेंज है। बैटरी काम करती है ना, सेल लगा लो आप, एक सेल को आप जैसे क्लॉक पे लगाते हैं, घड़ी पे लगाते हैं, या फिर आपका रिमोट चलते हैं सेल से, तो कुछ ना कुछ अभिक्रिया तो हो रही होगी, कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिमोट हो गया या आपकी घड़ी हो गई वो काम कर रहा है।
तो वो अभिक्रिया उसके अंदर चल रही है, परिवर्तन चल रहा है, तो वो केमिकल चेंज है, ठीक है ना। डाइजेशन हो गया, भोजन का जो पाचन है शरीर में वो रासायनिक परिवर्तन है। मिल्क का खट्टा होना या दही बनना वो भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। दही एक बार बन गया तो उससे वापस दूध नहीं बन सकता, तो इसलिए ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे पटाखे वगैरह जलाते हैं आप लोग, तो वो भी क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। कुकिंग एन एग, अगर अंडे को पकाते हैं तो पकाना आपका किस में आएगा, परिवर्तन में आएगा, रासायनिक परिवर्तन में। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। इन सभी को आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए, लोहे पे जंग लगने की हम लोग बात कर रहे थे। लोहे पर जंग लगना क्या है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया था कि क्या होता है। अलोहा जो है आपका वो ऑक्सीजन से और नमी से अभिक्रिया करता है, आयरन का ऑक्साइड वहां पर बन जाता है, एक छिद्रदार परत बनती है। कभी देखना किसी वस्तु पे लोहे पर जंग लगा हो अगर, तो जो ऊपर की ब्राउन और रेड सरफेस हो जाएगी उसकी, ठीक है ना, यानी वहां पर आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। तो जब किसी वस्तु पर जंग लग जाता है तो उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे पहले आप लोग कुछ सावधानियां बरतते हैं ताकि वस्तु पर जंग ना लगे। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जंग लगने से पहले आप लोग अपनाएंगे, इससे पहले समझ लीजिए कि शर्तें क्या क्या होती हैं जंग लगने के लिए। शर्तों का मतलब क्या है कि जंग लगता कैसे, ठीक है ना। तो एक तो वस्तु की आपकी ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी, तो यानी ऑक्सीजन का होना आवश्यक है अगर जंग लग रहा है कहीं पर। इसके अलावा वहां पर नमी होनी चाहिए, नमी की उपस्थिति होती है इस वजह से जंग लगता है। और लोहे की वस्तु तो होनी चाहिए तभी आपका जंग लग रहा है। जब जंग लगने की सिंपल हम बात करें, संक्षारण होता है, धातुओं में आपका संक्षारण होता है, उसको आप अलग तरह से पढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बचाव कैसे कर सकते हैं आप, चूंकि ऑक्सीजन वहां पर आ रही है या नमी आ रही है लोहे पर, तभी आपका संक्षारण हो रहा है या जंग लग रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उस ऑक्सीजन और नमी के कॉन्टेक्ट को तोड़ेंगे। लोहे की वस्तु है, अगर इस पर ऑक्सीजन लग रही है या आपका नमी लग रही है, तो आप क्या करेंगे, इस ये जो कॉन्टेक्ट है इस कॉन्टेक्ट को आप लोग तोड़ेंगे। तो ये कॉन्टेक्ट कैसे टूटेगा, इस वस्तु को आप कवर कर लेंगे किसी चीज से। तो आप किस चीज से कवर करते हैं, आप पेंट कर देते हैं उस पर। सिंपल, पेंट कर दिया आपने लोहे की किसी वस्तु पर, तो पेंट करने से अब जो ऑक्सीजन और नमी है वो पेंट की परत पर टकराएगी आपका, ठीक है ना, डायरेक्ट लोहे के संपर्क में नहीं आएगी। तो इससे आपकी लोहे का क्या हो जाएगा, बचाव हो जाएगा। ओके, तो पहला आपका क्या है, पेंटिंग, ठीक है ना, यानी पेंटिंग या पेंट लगाना आप जिसे कह सकते हो। इसके अलावा आप क्या करेंगे, लोहे पर सामानों पर ग्रीस या तेल की परत चढ़ा देते, इससे भी क्या हो जाएगा, इससे भी लोहे की वस्तु पर जंग लगने से हम लोग बचा सकते हैं। ओके, देन गैल्वेनाइजेशन एक आपकी प्रोसेस है, यशद लेपन जिसे कहा जाता है। यशद लेपन में क्या किया जाता है, लोहे की वस्तु को पिघली हुई जिंक में डुबोया जाता है, और फिर जब उसको बाहर निकालेंगे तो जिंक की परत उसके ऊपर आ जाएगी। जिंक क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है लोहे से, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड की एक और परत बना देगा। तो यानी लोहा आपका अंदर प्रोटेक्ट हो गया, उसके ऊपर जिंक की लेयर है और जिंक के बाहर से जिंक ऑक्साइड की लेयर आ चुकी है आपकी। तो इस तरह से अब लोहे की वस्तु सुरक्षित हो गई है, उस पर किसी भी प्रकार का जो क्या है आपका जंग नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका टिन या क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी जाती है लोहे के ऊपर, तो उससे भी क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहा जाता है, जिससे वस्तुओं पर आपका जंग नहीं लगेगा। एक और है मिश्रातन जिसे कहा जाता है, मिश्रात्वन यानी कि अलॉइंग। अब क्या किया जाएगा, धातुओं को आपस में मिला करके मिश्र धातु बना दी जाती है, जिसके गुणों में परिवर्तन हो जाएगा, जो कि एक्चुअल धातुओं के गुणों में
था उससे थोड़ा डिफरेंट होगी मिश्र धातु। तो इस तरह से वांछित सुधार लाए जाते हैं, वांछित परिवर्तन लाए जाते हैं धातु में। तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण कहा जाता है, विलयन भी से कहा जाता है, बनाने की क्रिया को मिश्रात्वन या आपका अलॉइंग कहते हैं। मिश्रात्वन जो है वो धातु के गुणों में वांछित सुधार लाया जाता है, ठीक है, मिश्रात्वन से यानी कि अलॉइंग से। अलॉइंग कर रहे हैं, दो धातुओं को आपस में मिला रहे, तो इससे आप धातु के जो अपने गुण थे उनमें क्या कर रहे हो, सुधार ला रहे हो। जैसे स्टेनलेस स्टील को लोहा, क्रोमियम तथा निकिल को मिश्रित कर बनाया जाता है। स्टेनलेस स्टील जंग रोधी होता है, तो यानी लोहे पर आपका जंग लग रहा है तो उसको बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाया जा रहा है, ठीक है, जिस पर जंग नहीं लगेगा। यही कारण है कि खाना पकाने के बर्तन तथा खाने के बर्तन जिन्हें बार बार धोने की आवश्यकता होती है प्रायः स्टील के बने होते हैं, ठीक है ना। तो आपने घरों में देखा होगा, लोहे के बर्तन भी देखे होंगे, तो कभी आप उनको वॉश करके रखिए, उसके बाद देखना उस पर एक ऑरेंज ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, रस्ट डस्ट जैसा पाउडर आ जाता है आपका, आप कहेंगे तो वो क्या है, रस्ट की लेयर है, यानी जंग की परत है। लेकिन अगर आप स्टील के बर्तन धोकर रखते हैं, उनके संपर्क में ऑक्सीजन आ रही है, नमी आ रही है, तो उन पर जंग नहीं लगेगा, वो आपके एज इट इज कई सालों से आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा ऐसा कुछ आपने बर्तन अपने किचन में देखा होगा, तो ये पीतल का होता है, पीतल भी आपका क्या है, एक मिश्र धातु है, ठीक है ना, जो कि दो धातुओं से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करेंगे, अलॉय, इसके द्वारा भी धातुओं पर संक्षारण होने से बचाया जा सकता है। चूंकि हम लोहे के केस में पढ़ रहे थे, लोहे का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया, कौन सा, स्टील जो बना रहे हैं, ठीक, लोहे से। ओके चल नोट करिए। चलिए, देन क्रिस्टलाइजेशन आपका एक प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें क्या किया जाता है, यह भी पृथक्करण की एक विधि है, जिसके द्वारा किसी द्रव में विलेय अशुद्ध ठोस पदार्थ के विलयन से शुद्ध पदार्थ के नियमित ज्यामिति वाले कण प्राप्त किए जाते हैं। और शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए गर्म द्रव जो होता है वो जितना भी अशुद्ध पदार्थ घुल सके उतना उसमें घोल लिया जाता है। इसके पश्चात घोल में अघुलनशील जो अशुद्धि होगी उस पदार्थों को फिल्टर करके अलग कर लिया जाएगा। यानी बेसिकली आपके पास करना क्या है, आपको आपको कोई मिक्सचर मिलेगा, उसको आपने गर्म करना है, ठीक है ना। कोई सब्सटेंस है आपके पास, वो इम्प्योर है, सपोज उसमें कोई इम्प्योरिटी है, तो उसको आप पानी में घोलेंगे, जो अशुद्धि होगी वो पानी में इनसॉल्युबल होगी, लेकिन आपका जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल होगा, वो घुल जाएगा पानी में। अब आप क्या कर लेंगे, अब आप फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके आपके जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर पेपर में अलग हो जाएगा और आपको नीचे क्या मिल जाएगा, वो घोल मिल जाएगा। अब उस घोल में जो ये नियमित ज्यामिति वाले कणों की बात कर रहे हैं, उस घोल से वो आप प्राप्त करोगे, यानी जैसे जिस तापमान कम होगा ना, वो घोल में खुद ही ठोस के रूप में परिवर्तित होना शुरू कर देगा। तो यही क्या है आपका, अब संतृप्त गर्म घोल को ठंडा करने पर शुद्ध ठोस पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो इसी को आपका क्या कहा जाता है, क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। सोल्यूशन लिया, उसको गर्म किया आपने, गर्म करने पर क्या हो गया, आपका जितने भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो यहीं रह जाएंगे, और अब आप इसको फिल्टर कर लेंगे तो आपको सॉलिड अलग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो नोट कर लेंगे। चलिए, तो आने वाले सेशन में हम इस चैप्टर के कोर्स लेकर चलेंगे। तब तक चैप्टर को एक बार आप भी अच्छे से रिवाइज कर लेंगे घर में। आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।